अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू का लच्छा पराठा तैयार कर रहे हैं। ये पराठा बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आप चाहें तो इसे सहरी में भी बना सकते हैं। तो चलें पराठा बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो आलू बॉईल करके ग्रेट कर लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून और नमक शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। हल्दी पाउडर शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। फिर इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, ग्रेट की हुई अदरक शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून, एक हरी मिर्च चॉप करके शामिल करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके शामिल कर देंगे। फिर तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पराठे के लिए 3.5 कप हमने आटा लिया है, आप मैदा भी ले सकते हैं आटा भी। तो इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक को आटे के साथ मिला देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करके नरम डो तैयार कर लेंगे। पराठा बनाने के लिए आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटा भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आधा मैदा और आधा आटा, आप दोनों तरह से आप पराठे तैयार कर सकते हैं। आटा गूंद कर हमने उसकी डो तैयार कर ली है, तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके दोबारा से हल्का सा इसको गूंद लेंगे। डो को हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। चार चम्मच घी पिघला हुआ लेंगे और उसमें 3 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे मैदे के और से मिला लेंगे। डो से हम पेड़े तैयार कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक हम पेड़ों को रेस्ट देंगे। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और उसे बेल लेंगे। हल्का सा आप मैदा डस्ट करते जाएं ताकि बेलने में आसानी रहे। फिलिंग रखेंगे एक साइड पर। घी का मिक्सचर लगाएंगे चम्मच की मदद से। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। दोबारा से घी लगाएंगे, मैदा डस्ट कर लेंगे और दूसरी साइड को भी फोल्ड कर देंगे। एक बार फिर से घी लगाकर मैदा छिड़ककर फोल्ड कर लेंगे और रोल करके पेड़ा तैयार कर लेंगे। और फिर दोबारा से पेड़े को थोड़ी देर चाहें तो रेस्ट दें और फिर बेल कर पराठा तैयार कर लेंगे।
हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े को हल्का हल्का दबाते जाएंगे और पराठा तैयार कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हाथों से प्रेस करेंगे या बेलन से इसको दबा दबा कर बेलेंगे तो फिर फिलिंग बाहर निकल आएगी। पैन या तवे पर पराठे को तैयार करेंगे। पराठे को दोनों तरफ से ऑयल लगाकर अच्छा सा कलर आने तक तैयार करेंगे। पराठे को हल्का हल्का दबाते जाएंगे ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। पराठा तैयार हो गया है तो आप इसे बनाएं, बच्चों को दें और खुद भी एंजॉय करें। खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।